नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंटर्न डॉक्टरों की मांग को प्रशासन कर रहा नजरअंदाज, आरक्षण रद्द होने से दाखिले पर नहीं होगा असर, खाली जगहों को बना दिया कचरा घर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। इंटर्न डॉक्टरों की मांग को प्रशासन कर रहा नजरअंदाज। कोविड के संक्रमण काल में जहां डॉक्टरों की कमी की दुहाई प्रशासन दे रहा है, वहीं पिछले दो दिनों से मेयो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के 350 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। प्रशासन और डॉक्टरों के बीच चर्चा मंगलवार को हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलने की वजह से बुधवार को भी इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। वहीं मेडिकल मार्ट ने इंटर्न डॉक्टरों की मांग को जायज ठहराते हुए पत्र जाहिर कर कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो निवासी डॉक्टर भी हड़ताल पर चले जाएंगे। काल आम्ही मान्य आमचे अधिष्ठात आहे, त्यांच्यासोबत त्यांनी जे मान्य जिल्हाधिकारी आणि मान्य जे महानगरपालिका आयुक्त आहे त्यांच्यासोबत ज्या बैठकीमध्ये आमची चर्चा झाली या विषयावरती, परंतु त्यांनी लेखी आश्वासन काही आम्हाला दिलेलं नाही आहे। जे केवळ तोंडी जे आश्वासन दिलं आहे त्यांनी, त्या बळावर आम्ही आमचा जो संप आहे तो काही मागे घेतलेला नाही आहे। त्याचबरोबर जे विभागीय आयुक्त आहेत त्यांच्यासोबतही चर्चा झाली, आज त्याबद्दल ते एक पत्रक काढणार आहेत। तर ते पत्रक आल्यानंतर आम्ही त्याबद्दल निर्णय घेऊ। संप कायम आहे आमचा, अजूनपर्यंत आम्ही रुजू झालेलो नाही आहे, आणि जोपर्यंत आम्हाला लेखी आश्वासन मिळत नाही त्याचबरोबर जे आम्ही विभागीय आयुक्तांचं पत्रक येण्याची वाट। दूसरे और आरक्षण रद्द होने से दाखिले पर नहीं होगा कोई असर। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विद्यार्थी व उनके पालकों में चिंता का माहौल है। शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा निदेशालय व राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का किसी भी विद्यार्थी पर कोई असर नहीं होगा, उनके दाखिले बरकरार रहेंगे। तो वही तीसरे और खाली जगहों को बना दिया कचरा घर। मनीष नगर के खाली प्लॉट को लोगों ने कचरा घर बना दिया है। इसके आसपास रहने वाले लोगों को कचरे की दुर्गंध और मच्छरों से परेशानी होती है। घरों से कचरा उठाने वाली गाड़ियां रोजाना नहीं आने से लोग अपने घरों का कचरा यही लाकर फेंक देते हैं। यहां अवैध रूप से लोग उपयोग में नहीं आने वाला मलबा भी डाल देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।